और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज हम लोग बनाएंगे एकदम अलग, एकदम टेस्टी, एकदम यूनिक, एकदम क्रिस्पी रेसिपी घर में। ये है गाजर के शोले। देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा है। तो बात क्यों कर रहे हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको गाजर चाहिएगी। आप देख सकते हो मैंने पहले से ही घस कर तैयार करके रखी है। ये 4 पीस गाजर थी जिसको मैंने घस लिया है। गाजर तैयार है तो इसके ऊपर बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कस्टर्ड पाउडर। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 2 बड़े चम्मच वो डाल दिया। इसमें एक हरी मिर्च डाल दूंगा मैं। अगर आपके बच्चे या फिर आप हरी मिर्च कम पसंद करते हो तो ना डालिएगा। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसमें बहुत सारा धनिया डालेंगे दोस्तों, धनिया से बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आएगा। अब हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हो तो आप बेसन भी डाल सकते हो। मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा डाल दिया। अब हम लोग इसमें आलू डालेंगे। आलू से क्या होगा, थोड़ी बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। तो मैंने उबला हुआ आलू इस्तेमाल किया है 2 पीस, जिसको मैंने मैश कर लिया था अच्छी तरह। आलू डालने के बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसको बोलते हैं जायफल। जायफल का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों इस रेसिपी में। तो ये गाजर के शोले जो है एक लेवल और ऊपर चले जाते हैं। मैंने थोड़ी सी जायफल इसमें घस दी है। इसको इंग्लिश में नटमेग भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो ना डालिएगा। आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिएगा, बात तो एक ही है। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह मिलाइए जब तक इसका एक आटा जैसा ना बन जाए। सिर्फ आपको 1 ही मिनट लगेगा। आप देखिए मैंने बना लिया है। और इसके अब हम लोग शोले बनाएंगे, एक तरीके से बुलेट्स बनाएंगे। तो क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर आपको लेना है और दोनों हाथ में घुमा घुमा कर बुलेट की शेप में बना देना है। वैसे तो आप शेप कोई भी बना सकते हो, लेकिन ये वाली शेप बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही मैं सारे गाजर के शोले बनाकर तैयार कर लूँगा। ये देखिए मैंने सारे गाजर के शोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग इसको और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए कोटिंग करेंगे। कोटिंग हम लोग कस्टर्ड पाउडर की करेंगे फिर से। दोस्तों वेनिला फ्लेवर का जो कस्टर्ड पाउडर रहता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। तो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये 2-3 चम्मच और है ये। इसमें हम लोग ये जो शोले बनाए हैं, हम लोग इसको एक बार रोल कर देंगे, मतलब एक बार लपेट देंगे। अगर आपका वेज बुलेट्स का मिक्सचर ज़्यादा गीला था तो ये है ना 3-4 बार लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरा वाला एकदम परफेक्ट था। सो 2 बार लगाने से ही कोटिंग बहुत अच्छी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सारे गाजर के शोले कवर कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर में। वैसे अगर आपको कस्टर्ड पाउडर नहीं मिलता है या फिर आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप कॉर्नफ्लावर या फिर है ना बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गाजर के शोले हैं ना, इसको हम लोग एक बार पानी में डुबा देंगे दोस्तों। एकदम भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस 1 सेकेंड के लिए पानी में डालिए, चलाइए और निकाल कर ब्रेड क्रम्ब में लपेट दीजिए। ब्रेड क्रम्ब के जगह आप कॉर्नफ्लेक्स का या फिर पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पोहा इस्तेमाल करना है तो पोहा को एक बार मिक्सी में चलाइए और फिर ऐसे ही कोटिंग कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सारे गाजर के शोले तैयार कर लेंगे। मैंने सारे गाजर के शोले में अच्छी सी कोटिंग कर ली है। अब हम लोग इनको तलेंगे। तलने के लिए तेल मैंने गरम करके रखा है यहाँ पर। मीडियम गरम होना चाहिए तेल, और इस मीडियम गरम तेल में हम लोग ये गाजर के शोले डाल देंगे और फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। अगर आपको इसको फ्राई करने का मन नहीं है तो आप इसको अवन में भी सेक सकते हो। अवन में आप इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड में 25 मिनट तक बेक कर सकते हो। ये देखिए हम लोग के गाजर के शोले में बिल्कुल बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। सारे गाजर के शोले तैयार है। दिखने में तो भाई पूछिए ही मत, इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। एक मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, अंदर से देखिए ना कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर आपको गाजर पसंद नहीं है फिर भी ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम नया स्नैक हो गया ना दोस्तों। तो इसको बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना। गाजर के शोले तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिए, एकदम अनोखे है ना दोस्तों। अगर आपको गाजर नहीं पसंद है फिर भी ये आपको अच्छा लगेगा, तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ इसी हफ्ते वापस एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।
ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कुकिंग शुकिंग हिंदी को। नीचे है ना लाल कलर का बटन होगा, उसको क्लिक करना, उसके बगल में फिर एक घंटी आ जाएगी, उसको भी एक बार क्लिक कर देना। फिर एक डब्बा भी आ जाता है आजकल जिसमें आपको ऑल क्लिक करना है। ऑल क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में घंटी बजना चालू हो जाएगी। बाय।